हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस सेट जीके का जो डेली अपने चैनल पर कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर कर लिए हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, रेलवे NTPC, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस या अदर जितने भी एग्जाम आपके लगे हुए हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि समुद्री कानून हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सदस्य में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है नीरू चड्ढा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका, वो 1965 से क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और पहला जो मिला था 1965 में, वो मलयालम साहित्यकार थे जिनका नाम था जी शंकर कुरूप, उनको मिला था। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विजयवाड़ा शहर में स्थित है। विजयवाड़ा शहर जो है दोस्तों, वो कृष्णा नदी पर स्थित है, या कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा शहर। और ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंडर कटिंग और डॉज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अंडर कटिंग और डॉज निम्नलिखित में से हॉकी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वेटिंग फॉर महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, वेटिंग फॉर महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक RK नारायण हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 30 मई, 30 जनवरी, 30 मार्च और 30 दिसंबर। तो दोस्तों, भारत में जो आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, वो आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। जैसा कि आज तो 2 अक्टूबर है, उनकी जयंती है आज, तो ये आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 23 मार्च को भी मनाया जाता है, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। तो 2 डेट को आपको शहीद दिवस याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टॉम सायर के लेखक कौन है? बढ़िया प्रश्न है, आप जब क्लास में पढ़ते होंगे 9th में, तो वहाँ पे ये लेसन पढ़ा होगा आपने, टॉम सायर के लेखक। और क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपका एग्ज़ाम में, तो मार्क ट्वेन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आर्य समाज वर्णों में विभाजित हो था। तो यहाँ पे आर्य समाज दयानंद सरस्वती वाला नहीं है, वैदिक सभ्यता वाला है। तो ये 4 वर्णों में विभाजित था, आपको पता होगा, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर देखिए क्या है कि लियोनेल मेस्सी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय टीम के लिए फुटबॉल खेलते हैं? तो दोस्तों, ये अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ 4 धाम पवित्र स्थान हैं जो में स्थित हैं। तो यमुनोत्री, गंगोत्री आपको पता होगा, यमुनोत्री से यमुना नदी और गंगोत्री से जो आपकी गंगा नदी निकलती है। यहाँ पे देखिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये आपका हिमालय, आपने जब पढ़ा होगा बृहद हिमालय, तो उत्तराखंड की चोटियाँ हैं। तो ये सारी के सारे जो 4 धाम हैं, ये कहाँ स्थित हैं? तो ये उत्तराखंड में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, 1। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, गोमती नदी में स्थित है। तो गोमती नदी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, नदी के तट पर जौनपुर शहर भी बसा हुआ है, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न क्या है कि भूटान की राजधानी क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल है, मैंने ले लिया है, थिम्पू, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन आता है? रक्षा, जंगल, पुलिस या फिर कृषि। तो इसमें दोस्तों, जो रक्षा है वो बिल्कुल सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि पिंजौरा गार्डन, जिसे यादवेंद गार्डन भी कहा जाता है, से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। किससे 20 किलोमीटर की दूरी पर है? तो ये दोस्तों, चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ निम्नलिखित में से किसके व्यक्तित्व पर या जीवन पर लिखा गया था? तो ये दोस्तों, लिखा गया था महात्मा गांधी के जीवन पर।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी आत्मकथा है जिसे इन्होंने हिंद स्वराज जहाज में यात्रा के दौरान लिखा था, तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो आपको पता होगा श्रीलंका, भूटान और नेपाल तो बिल्कुल पड़ोसी देश हैं, रूस पड़ोसी देश नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है। तो दोस्तों ये मिशन इंद्रधनुष जो है वो एक स्वास्थ्य योजना है, ऑप्शन नंबर 3। हाजीपुर शहर में स्थित है, तो हाजीपुर कौन से शहर में स्थित है। तो दोस्तों हाजीपुर शहर बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला होता है कौन सी भाषा में। तो सिंधी में इसका अर्थ है मुर्दों का टीला, ऑप्शन नंबर 4। गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक जोनाथन स्विफ्ट हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है, मैकमोहन लाइन भारत और किस देश के बीच में सीमा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन भारत और चीन देश के बीच में सीमा रेखा है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष इटली में पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो 1960 में इटली में पहले पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में एक है। तो दोस्तों चश्मे शाही कश्मीरी भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, आयुष्मान भारत योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आयुष्मान भारत योजना भी स्वास्थ्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। क्षिप्रा नदी में स्थित है, क्षिप्रा नदी कहाँ स्थित है, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है कि तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया था, भगवत, महाभारत, ऋग्वेद या फिर रामायण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रामायण इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे महाभारत का पूछ दे तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो याद रखिएगा पुगिलेंद्र ने, इनका नाम याद रखिएगा पुगिलेंद्र, ये नाम याद रखिएगा महाभारत के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक एक है एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो या किसने लिखी है। तो ये नरेंद्र मोदी ने लिखी है, नरेंद्र मोदी जी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, फुटबॉल टीम की खिलाड़ियों में संख्या कितनी होती है खिलाड़ियों की। तो दोस्तों 11 होती है एक टीम में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29, 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया, कौन से आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर 3। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखें आप क्या है, अगला क्वेश्चन है, किदांबी श्रीकांत एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों किदांबी श्रीकांत एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो हैं वो बैडमिंटन से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर 1। तो ये रहे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए, आपके लिए आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, बहुत सारे रिवीजन आपको करने को मिला होगा, बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी मिले होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए डेली इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। बाकी आपके लिए बहुत सारे जीके से रिलेटेड वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं, 100 टॉप 100 के, तो उनको भी देखिएगा। बाकी 10 प्रैक्टिस सेट, आज ये 11वां प्रैक्टिस सेट है और एग्ज़ाम तक काफ़ी प्रैक्टिस सेट, लगभग 50 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।